अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की और इजी सी रेसिपी, बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का स्टिक्स। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से बन के ये रेडी हो जाती हैं और रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम आता है इनका। आप इसे इफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं और किसी टी टाइम पार्टी के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। तो उसके लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस 1/2 किलो। इस तरह से उसको क्यूब्स में कट कर लेंगे हम। फिर इसमें जाएगा नमक, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा सिरका 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं सिरके की जगह। फिर इसमें जाएगा टिक्का मसाला 4 टेबलस्पून और फिर इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर इसमें जाएगा दही 1 कप। दही को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि हमारे मिक्सचर में कोई भी लम्स ना हो। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अपने मिक्सचर को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और दही चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, हमारे चिकन को अच्छे तरीके से अभी सारे स्पाइसेस लग चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो उसमें है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च 2 बड़ी। इस तरह से हम उसको क्यूब्स में कट करके ऐड करेंगे। और 2 बड़े प्याज मैंने ले लिए थे, वो भी क्यूब्स में कट करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को यहाँ पे साथ डालने का मकसद ये होता है कि इससे वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी सी और स्पाइसी सी बनती हैं, बिल्कुल फीकी नहीं रहती जब स्टिक्स हमारी बन के रेडी हो जाती हैं। तो अब यहाँ इस स्टेज पर हम इसको मैरिनेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखें, हमारा जो मिक्सचर है वो मैरिनेट भी हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको स्क्यूअर्स में लगा लेंगे। मैंने इस तरह से अरेंज किया था कि पहले मैंने 2 अनियंस लगाए थे, उसके बाद 1 पीस चिकन का, उसके बाद 1 कैप्सिकम। मैंने इस तरह से अरेंज किया था। आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, इट्स ऑल अप टू यू। 1-1 वेजिटेबल और 1-1 पीस चिकन का मैं लगाती गई थी। तो ये देखें इस तरह से, एंड पर आपने इसको वेजिटेबल का कोई भी पीस, चाहे वो कैप्सिकम हो या अनियन, लगा के इस तरह से हमने क्लोज कर लेना है। तो ये देखें, हमारी जो स्टिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मेरे 1/2 kg चिकन में ये 15 से 16 स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई थी। तो अब ये देखें, अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो पहले हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। पहले इसको हम एग मिक्सचर में डिप करेंगे, उसके बाद इसको हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छे तरीके से इसे हमने कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स से। ये देखें, कोट हो गई है हमारी स्टिक। इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी स्टिक्स के साथ यही प्रोसेस करेंगे कि इसको पहले हम एग मिक्सचर में डिप कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। लेकिन फ्राई करने का इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई नहीं करेंगे, इस पर इसको हम अभी फर्दर एक इसका स्टेप करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें, सारे स्टिक्स की कोटिंग हो चुकी है। अब इसे फ्राई हम इस तरह से करेंगे कि इस तरह से कोट हुई हुई स्टिक्स को दोबारा एक दफ़ा से एग मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि इसके बिल्कुल बेकरी स्टाइल लुक आएगी और इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी इस तरह से। और ये स्टिक्स हमने ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालनी, वरना एग मिक्सचर बाहर से बिल्कुल जल जाएगा और अंदर से हमारा चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा और इससे लुक हमारी जो है वो स्टिक्स की सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसे ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें, हमने सिंगल लेयर में इस तरह से अपनी स्टिक्स को ऐड कर देना है। और इसको मैंने फ्लिप किया था 2 फोक्स की मदद से। आप भी इसी तरीके से इसे फ्लिप करें। अगर आप इसे किसी टोंग की मदद से करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो उतरने का थोड़ा ख़तरा होता है।
तो इस तरह से आप दो फोक्स लें और उसकी मदद से आप इसे जब फ्लिप करेंगे तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आएगा और जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।